चलिए तो ये डिवीजन हम लोग करके देखते हैं। हमको क्या करना था कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स। एक तो हम डिवाइड करके रिमाइंडर बता सकते हैं और एक रिमाइंडर थ्योरम से बता सकते हैं। आप बताइए किससे बताएं, रिमाइंडर थ्योरम से बताएं या फिर ऐसे ही बताएं? रिमाइंडर थ्योरम से। ओके तो देखिए बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जिस चीज से आपको भाग देना है उसको जीरो कर लो, जिस से आपको भाग देना है उससे जीरो उसको जीरो कर लो। जैसे तुम याद होगा कि x माइनस वन से भाग देना होता था तो इसको जीरो करके x का वैल्यू निकालते थे, x का वैल्यू वन आता था और वन इसमें पुट करते थे, यही ना काम होता था। तो अब x से ही अगर हमको भाग देने के लिए बोल दिया तो हम x को ही जीरो करेंगे, यही x का वैल्यू जीरो ही, मतलब x का जो जीरो वैल्यू आया ना वही हमारा है जीरो, और उसी को पुट करेंगे अब। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एट एक्स बराबर जीरो। तो अब जीरो पुट करो तो ये जीरो का क्यूब होगा, फिर प्लस थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर होगा, फिर प्लस थ्री इंटू जीरो होगा, फिर प्लस वन होगा। बस हो गया कहानी, सारा कहानी जीरो हो जाएगा, ये और बचेगा वन। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया तुम्हारा, वन आ गया है ना। अब इसको तुम डिवाइड भी करोगे ना, डिवाइड करके भी देखोगे तो रिमाइंडर वन ही आएगा। डिवाइड करके भी बता दें, ठीक है ओके प्रिंट कर लीजिए। सॉरी जो वीडियो भी बना रहे थे उसका एक्सरसाइज आपका 2.3 एनसीईआरटी का था।